एक यार शानदार शेठ था। अच्छा। पर शेठ के साथ प्रॉब्लम ये थी कि बहुत दान पुण्य करता था। वाह वाह। पर जहाँ भी दान पुण्य करे बोले यार मेरा नाम कहाँ लगेगा। अच्छा। हाँ बोले जहाँ भी है ये बोलेगा कि इधर पहले मेरे को बताओ मेरी तख्ती कहाँ लगेगी, मेरा वो कहाँ लगेगा। पर उसने खर्चा इतना किया कि पूरी दुनिया उसको जानने लग गई। पर उस दीवानगी में अपना घर खो बैठा। अरे घर साफ हो गया उसका। हाँ एक टाइम ऐसा आया कि हालत ये हो गई कि खाने के वंदे। पर उसकी पत्नी ने एक दिन सुना कि पास वाले गांव में एक सेठ है। अच्छा। और उनकी पत्नी सिद्ध है। अच्छा। और वो पुण्य खरीद रही है। वाह क्या बोल रही है। पुण्य खरीद रही है। तो सेठ को बोला उसने कि आपने तो इतने पुण्य किए हैं, आप एक काम करो अपना पुण्य बेच के आ जाओ। तो बोला यार ये तो काम मेरा बढ़िया हो जाएगा। ये रवाना होने से पहले पत्नी ने क्या किया, चार रोटियां इसको दी कि रस्ते में खाने के लिए आपको चाहिए तो चार रोटियां आप लेके जाइए। अब ये प्यार से वहां से रवाना हुआ। पहले के जमाना था, पैदल चलते जा रहा है, जंगल आया। अब उसको दोपहर को भूख लगी तो पेड़ के नीचे ये बैठ गया। अच्छा। अपनी चारों रोटियां निकाली कि अभी मैं खाने के लिए तैयारी करूं। इतने में एक कुतिया आई भूखी और उसके साथ तीन बच्चे थे। अब वो जैसे उसके सामने आई ना ये समझ गया कि तीनों चारों भूखे। उसने एक रोटी निकाली कि एक दे देता हूँ, तीन तो काम हो जाए। दानवीर तो था ही। अब वो एक खाई तो दूसरी कुतिया का बच्चा बाहर आया, फिर दूसरी दी। माय गॉड। अब वो थोड़ी देर में वो तीसरी दी। अब उसके बाद एक बच्ची यार खा लू, फिर देखा वो कुत्ती खुद भी भूखी है तो वो चौथी भी उसने क्या खा लो यार अभी जो होगा वो देखा जाए। और वहां से वो फिर वहां रवाना हुआ जो पूछा सेठ के पास। अच्छा। वो सेठ और सेठानी दोनों बैठे हैं। वो पहले सेठ गया और बोलने लगा मैंने वो इतना बड़ा काम किया। वो सेठानी जो सिद्ध थी ना वो सब सुनती रही। आधा घंटा तक इसने बोला कि मैंने ये काम किया। बोला कि भाई आपने सब बताया पर इसको हमको परचेजिंग करने में कोई इंटरेस्ट नहीं, ये हमको कोई दी नहीं। तो बोला इतना शानदार काम किया। बोले किया था पर सब आपने अपने नाम के लिए किया, कोई निस्वार्थ काम आपने कुछ भी नहीं किया है। तो बोला ठीक है। फिर क्या किया कि थोड़ी देर हुई वो जैसे ही रवाना हुआ ना उसको बोला कि आप जाओ मत, आपने आज कोई एक शानदार काम किया है। वाह वाह वाह। वो काम का अगर पुण्य आप बेचना चाहो तो बोलो आज तो मेरे पास अभी खाने को पैसे नहीं, मैं क्या अच्छा काम करूंगा। अरे नहीं आपने आज कुतिया को चार रोटियां खिला दी। बोले वो पुण्य में। बोले तो हाँ तो बेचो, उसको तो पैसे के बांधे पड़े। तो बोले नहीं नहीं चार रोटियां रखूंगी और उन चार रोटियों के बदले जितना वजन होगा उतने हीरे दूंगी। गजब। अब वो चार रोटियां रखी और सामने हीरे तोलने लगी। अब वो साला चमत्कार देखिए, एक किलो हुए, दो किलो हुए, पांच पांच किलो हीरे वहां रख दिए पर वो चार रोटियों का वजन ही नहीं गिरे। तब इसके मन में आया कि साला जिंदगी भर जो काम किया वो निकल गया, उसकी थी कोई वैल्यू नहीं और इतना ये वैल्यू है तो पीछे की जिंदगी और मेहनत करके निकाल लूंगा यार, मैं तो पुण्य बेचूंगा। तो बोला कि सेठानी आपका रहने दो, अभी मैं तो चार वापिस पुण्य मेरा लेके जाता हूँ। अब वहां से वो पुण्य लेके रवाना हुआ। अब रात शाम को घर आने से पहले जिस पेड़ के नीचे रुका था ना, बोला यार जाऊंगा घर पे कलह होगी कि कुछ लेके नहीं आए और मेरे को भूख लगी है तो करूं क्या। तो वो क्या किया, उधर से पत्थर ले लिया और एक पूरा बांध लिया कि पूछूंगी तो बोलूंगा भाई इतना उन्होंने दिया है। वो रखा और घर पे आया और बैठा तो उसकी पत्नी ने बोला कि भाई हाथ पांव धो लो, देख लिया कुछ सामान तो माल तो माल आया है। अब इसको बोला कि नहीं नहीं खाना खिला दो मुझे, उसको मालूम कि कहीं देख लिया तो तकलीफ वाला काम खाना ही नहीं हो जाएगा। तो इसने बोला कि भाई पहले मेरे को खाना खिला दे। वो जैसे ही खाना खिलाया ना, वो खाना खिलाते उसके मुंह से निकल गया कि वो जैसे ही खोला बोले इतने हीरे। बोले हीरे कहाँ से आएंगे, ये तो पत्थर ही पत्थर थे मेरे। बोले ये तो हीरे निकले। वो जैसे ही देखा ना, तब उसकी पत्नी को उसने बोला कि जिंदगी भर है ना मैंने जो भी किया ना अपने नाम के लिए किया ना उसका मुझे 10 पैसा नहीं मिला। नहीं मिला। और निस्वार्थ, ये देखो निस्वार्थ भाव से किया, तो निस्वार्थ भाव से किया और आप जो सोचो कि निस्वार्थ भाव से आया किया और वो देखो कि पूरा का पूरा निस्वार्थ भाव से और करोड़ों रुपए आ गए। वाह। तो काम करो बॉस, जिंदगी में काम करो पर निस्वार्थ भाव से।